सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रूपा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी दिन में के 11 बजने वाले हैं और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बगल वाले देवर लोगों की छत से, क्योंकि मैं यहाँ अभी आई हुई थी चाय देने के लिए। तो यहाँ से लोकेशन अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत की जाए। और पीछे देख सकते हैं आप लोग ग्राउंड कितना मस्त लग रहा है और अब मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। अब चलते हैं दुकान में को। यहाँ से फील्ड कितना मस्त दिखाई दे रहा है, देखो हल्की हरी घास जमने लग गई है फील्ड में और इतनी ख़तरनाक हवा चली है ना, और गिरने का डर भी है यहाँ से। तो यहाँ से कुछ इतना इधर को ऐसा लग रहा है। और बैक साइड का नज़ारा दिखाती हूँ, चाय देने के लिए आई थी ना मैं यहाँ तब। ये है यहाँ का बैक साइड का नज़ारा। सामान सेट करने का काम था, मैंने यहाँ पूरी सफाई कर दी है और पूरा का पूरा सामान अच्छे से रख दिया है और बर्तन धोए। पूरे बर्तनों में धूल बैठी थी तो पूरे बर्तन निकाल के बर्तन धोए। अब है मेरा काम चाउमीन बनाने का। तो ये जो ये बर्तन मैंने धो रखे हैं इनमें से इन सब चीज़ों को हटाती हूँ और फिर बनाती हूँ चाउमीन। ये सूप के बाउल हैं, पिछली बार हमने सूप भी बनाया था ना, तो तब हम लोग सूप ले नए सॉरी बाउल ले कर आए थे नए नए। इनको सबको किनारे करती हूँ और चाउमीन के लिए मसाला तैयार करती हूँ, फिर चाउमीन बनाती हूँ। स्कूल से आ गई है, देखना अभी उसका रिएक्शन। आइए, मम्मी कहाँ गई है? हाँ बाबा, मैं लेने इसलिए नहीं आया था, मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ाई करेगा करके। और पढ़ाई करनी थी तो इतनी जल्दी क्यों आ गया? मैम ने क्या बोला था? देखो दोस्तों, स्कूल से आते ही बोलने लग गई है, आप मार खाओगे करके उनसे बोलने लग गई है। मैम को बोल दूंगी, अभी मैम यहीं पे है। सॉरी बोल दे ताऊ को, ताऊ सॉरी कह दे। आते ही इसकी आकार देख लो ये कोई। मैम को बोलो, मैम को बोलो, ऊपर से फट रहा है। मैम इसको देखो। हाँ क्या देना है? दो बिस्किट दे दीजिए। आ जा बिस्किट देने, बिस्किट देने दीदी को, आ जा चलो ले लो। लेंगी फिर वो, तो रुक जा मैं दूंगी खुद, तुमसे पहले पूछ तो ले कौन सा देना है करके। आजा तू भी, तू देगी आजा, कौन सा वाला देना है? वो ना विंडक्रीम वाला दे दो। ठीक है, क्या हो रहा है दूर, ले पकड़ इसको, पकड़ इसको भी पकड़, दे दे दीदी को। दुकानदार छोटी हो गई। मैं एक बार पूछ जाती हूँ मैम से, पूछ के आ रही। मैम यही लेके आना है, यही सारी पॉली निकाल दी यहाँ से सिपाही को। और बता पढ़ाई करके आया स्कूल में? गब्बर इधर देख, गब्बर तो ऐसे क्या बोल रहा है आज मुझसे? मैंने तेरे कंबल बिछाया है, यहाँ पे बैठ जाएगा चुपचाप, ठीक है? बदले कोई दूसरे दे दो। कौन सा दूसरा? मारियो वाला दे दे। मेरी लाइट? हाँ मेरी लाइट, सॉरी। दोस्तों वेदू भी स्कूल से आ गई है और वेदू तो बगल में हेमुदा के साथ बैठी है और मैं यहाँ बैठ के खाने में लगी हूँ बिस्किट। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही है आजकल मेरे, सुबह से ही मैं यहाँ पे काम करती हूँ, दुकान की धूल साफ करते करते मेरी हालत डाउन है, क्योंकि ये इस रोड ने इतना दिमाग ख़राब करा है और मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो जा रही है, मैं इसकी बात ही आप लोगों को नहीं बता सकती, इतनी ज़्यादा दर्द है।
और कल को मैंने हल्द्वानी भी जाना है क्योंकि मेरे इधर साइड वाले यहाँ से नाक में से खून आता है, तो वो भी चेक कराने हैं। और भी कुछ काम है, ज़्यादा काम क्या बताऊँ, बट है कुछ काम, तो उसके लिए मुझे हल्द्वानी जाना है। और मम्मी भी वहीं से आ रही है हल्द्वानी, कल मम्मी भी आएगी, मैं भी जाऊँगी, तो साथ ही में आ जाएंगे मम्मी और मैं फिर। और अभी फ़िलहाल ये बिस्किट खाती हूँ और फिर कुछ नया होगा तो दिखाती हूँ। तो शाम के 6:10 हो चुके हैं और मैं जाने लग गई हूँ घर को। तो अभी मैं घर जा रही थी, जैसे ही जाने लगी, ये पेंट वाले भैया लोगों ने पैसे देने थे 2-3 दिनों के, तो उन्होंने बोला पैसे काट लो करके। आगे तक तो इनको टाइम मिला नहीं दुकान में आने का। अभी मैं जैसे घर को जाने लगी तो उन्होंने बोला पैसे ले लो, तो अभी वो लेने के लिए गए हैं अपने रूम में, क्योंकि मैं कल को जा रही हूँ ना, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि यार अब कटा लेते हैं, 2-3 दिनों से ऐसे ही हम लोग उधार उधार में चल रहे हैं, तो आ गए शायद। अभी तो आपका काम होगा 2-3 दिनों का? काम है। अच्छा, हाँ, तो 2-3 दिनों के पैसे थे ना, मैंने उनको काट के दे दिए थे वापस पहले ही। और अब मैं जाने लग गई हूँ, वेदु आगे चले गई है गुड्डू लोगों के साथ, और जो पुल कसने वाले भैया लोग हैं वो कुछ और काम करने लग गए हैं। आज वो ठेकेदार भैया लोग आए ना, तो उन्होंने कुछ सामान देना होगा इन लोगों को। शायद पुल को थोड़ा नीचे करना पड़ता है, उसके बाद कसने के बाद शायद थोड़ा नीचे होती है, जहाँ तक मुझे लगता है उसके नीचे से कुछ लगा रहे हैं वो, तो वही काम चल रहा है उनका। ऐसा चल रहा है कुछ। दोस्तों रात के 10 बजने वाले हैं और हम दोनों ने खाना खा लिया है, और अभी फिलहाल वेदिका मैडम मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि वेदु को बोला था नानी ने मदद करना, तो मम्मी ने मुझे चादर बिछाने के लिए दिखाई नाक देखो उसकी। तो अभी हम लोग नीचे कमरे में आ गए हैं, और अब मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने कपड़े धोए हुए थे सुबह और कल, क्योंकि कल के भी मैंने कपड़े पुराने वाले घर में टांगे थे ना, तो वही थे वो, और वो कपड़े भी सूख चुके हैं। अब मैंने उन कपड़ों की तह करनी है जो है सामने सोफे में और चेयर में, तो बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी कमर तो टूट रखी है बिल्कुल ही, क्योंकि सुबह मेरे कमर में दर्द हुई थी ना, फिर भी मैंने पानी वाला काम करा था, तो दोस्तों हमारी कमर टूट चुकी है। और सामने देख सकते हैं आप लोग शीशे में मैं कैसे सोई हूँ करके, ये मेरी बिटिया रानी। हम लोगों ने बिस्तर लगा लिया है और अब थोड़ी देर बाद हम लोग सोएंगे, और थोड़ा बहुत सामान भी रखना है हम लोगों ने, वेदु के कपड़े रखने होते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो हल्द्वानी में गर्मी होने लग गई है, बोल रहे थे सब लोग, तो हल्के फुल्के कपड़े रखेंगे। और कल को कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं गाइस बताओ? मासी के पास। इतनी खुश होती है ना कैरी टेरी, दोनों मासी लोगों को चॉकलेट दूंगी। हाँ कैरी टेरी, क्योंकि कल्पना लोग दोनों के दोनों ऐसा ही करते हैं ना उसके लिए। गाइस मेरी कल्पना मासी को, वो जानू मासी को कल्पना मार रही थी कल को सुबह। कल्पना ठीक है, देखेगी वो, पीटेगी तेरे को वहीं जाके। कल्पना बोली ना तो रुक जा। नहीं मैंने मेरी मासी को पीटा तो फिर मैं उसको चलो दोस्तों बाय अभी के लिए, कल मिलेंगे हम लोग आप लोगों को, और कोशिश करूंगी कल का भी व्लॉग बनाऊं थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, देखूंगी क्या होता है। और अभी के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, टाटा बाय बाय। हम लोग भी अपना काम करते हैं और फिर सो जाएंगे। तो मैंने जैसे ही कपड़ों की तह पूरी कर ली, उसके बाद वेदु मैडम को अपनी एक ड्रेस दिख गई थी वहां, तो वेदु मैडम जी उस ड्रेस को पहन के तैयार हो गई, देख लो।
इसको यहाँ से, इसकी इधर से, इधर साइड से सब खुजली होती है ना, इसको अंदर साइड अभी मैंने इनर वगैरह पहनाई थी तो अब कुछ नहीं लग रहा है, कह रही है मैंने कहा आप उतार देती हूँ, कहा तो कह रही क्यों अभी क्यों उतार रहे हो, एक बार घूम के दिखा, घूम के दिखा दो, एक बार घूमते कैसे है वे दिखा।